हाय फ्रेंड्स, मील विद लव हेल्थ किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मिलाती हूँ एक ट्रेडिशनल रेसिपी से, जिसे हम लोगों ने अधिकतर खाना छोड़ दिया है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी तो है ही है, उसके साथ साथ ही हमारे बच्चों को कुपोषण से बचाती है। पहले के लोग इसे अपने खाने में बहुत इस्तेमाल करते थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया हमने बाहर की चीज़ों को अपना लिया और अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को हमने छोड़ दिया। तो चलिए चलते हैं इस रेसिपी की ओर और बताते हैं आपको इसे कैसे बनाना है। हाँ, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को अपने बच्चों को खिलाइए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, ये उन्हें कुपोषण से बचाती है। ये मैंने लिया है मिलेट, ये है झुंगरू, ये पहाड़ों में होता है और सुपरमार्केट में आराम से मिल जाता है, पर आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको ऑर्गेनिक ही लेना है। अगर आपको लोकल मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छा है, पर उसको आपको बहुत ध्यान से साफ करना पड़ेगा। तो इसे हम सबसे पहले वॉश कर लेंगे। अच्छे से मैंने इसे 2-3 पानी वॉश कर लिया है और इसे मैंने 20-25 मिनट भिगा दिया है। ये ऑप्शनल है, भिगा भी सकते हैं आप, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब मैंने लिया है एक पैन को मैंने गैस पर चढ़ा लिया है। इसमें डालूंगी मैं 1 चम्मच घी, तब तक हम इसको पानी को हटा लेते हैं, इसको एक छन्नी में छान लेते हैं। मैंने इसमें 1/2 चम्मच घी डाल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जो अपने छाने हुए मिलेट को, झुंगरू को इसमें डाल दूँगी। आपके वहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से डाल लिया, पानी इसका ड्रेन आउट कर लिया। इसको मैं अच्छे से 5 मिनट भूनूंगी। इसके लिए हमें मोटा तल का पैन चाहिए, इसे आप पतले तल के पैन में नहीं बनाएंगे। भुनते हुए इसे 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटे हुए पिस्ता, काजू और बादाम, इन्हें मैं अच्छे से भून लूंगी। मैं इसे यहीं पर ऐड करूंगी क्योंकि इससे यहाँ पर स्वाद भी बढ़ जाता है और इनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। और हमारे घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो आराम से इसे खा सकते हैं क्योंकि उन्हें दांतों की समस्या होती है। तो ये देखिए मैं इसे 1-2 मिनट और भूनूंगी। अच्छे से ये भून चुके हैं। कुछ दिन पहले मैं एक डिबेट सुन रही थी डॉक्टर्स की, तो उसमें बताया गया था कि हम लोगों ने अपने खाने से मोटे अनाज को हटा दिया है, जिससे हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रेशियो था जिससे बच्चे कुपोषित हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें मोटे अनाज को किसी न किसी तौर पर अपने खाने में शामिल करना चाहिए। एक साथ तो हो नहीं सकता, तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि हम मोटे अनाज को अपने बच्चों को किसी न किसी रूप में खिलाएं। मडुआ, झुंगर, मक्का, बाजरा, ये मोटे अनाज है, इन्हें हमें शामिल करना चाहिए। रेसिपी बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसे 3-4 मिनट भून लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें दूध, ये मैंने दूध उबाला था और इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर हम ऐसे हिलाएंगे जब तक दूध में एक उबाल ना आ जाए, उसके बाद हम इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाएंगे। इस खीर को हम बहुत गाढ़ा नहीं बनाएंगे, इस खीर को हमें पतला ही बनाना है क्योंकि ये पतली पतली खाने में ज़्यादा टेस्टी होती है। इसको हम उबलने देते हैं। अच्छे से हिलाते हुए इसे मैंने 10 मिनट पका लिया है और ये थोड़ा सा रिड्यूस हो गई है, थोड़ा सा कम हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 इलायची, इनको मैं कूट के इसमें डाल लूँगी। 10 मिनट हो चुके हैं, मैं चेक करती हूँ, ये थोड़ा सा भी इसमें कसर है, तो मैं इसे 5 या 10 मिनट और पकाऊँगी। ये पकते हुए गाढ़ी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, अब मुझे इसे इतना गाढ़ा नहीं चाहिए। देखिए मैंने इसको चेक किया तो बिल्कुल ये हाथ में मसल रहा है, हमें इसी कंसिस्टेंसी में ही चाहिए। अब मैं यहाँ पर 1 गिलास दूध और ऐड करूँगी। पहले मैंने 1/2 लीटर दूध में पकाया था, अब मैंने 1 गिलास और यूज़ कर लिया है। तो पूरा दूध मैंने 750 ml यूज़ किया है, मतलब 1/4 लीटर। अब मैं यहाँ पर डाल दूँगी चीनी और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। चीनी अच्छे से घुल गई है और ये मेरी खीर तैयार है। अब इसे हम सर्व करेंगे और मैं इसका एक तरीका आपको और बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ये मैंने एक कुकर लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच घी। अब हम सेम वही प्रोसेस करेंगे।
और अपना मिलेट या झुंगरू इसमें डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। मैंने इसे अच्छे से 3-4 मिनट भून लिया है। ये भून चुका है, अब इसमें डालेंगे हम आधा या पौन गिलास पानी। यहाँ पर कुकर मैंने बड़ा लिया है ताकि ये उबाल आए तो एकदम से बाहर ना आए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा या पौन गिलास पानी, वो भी धीरे धीरे ऐड करूँगी। पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसे हिला लूँगी ताकि जितना भी साइड में चिपका है सब उसमें कुकर में पानी के साथ आ जाए। धीरे धीरे करके मैंने इसमें पौन गिलास पानी ऐड कर दिया है, आधा गिलास और थोड़ा सा और अब मैं इसे एक सीटी लगा लूँगी। सीटी लगाने से क्या होगा, ये जल्दी पक जाएगा और जो इसकी एक रॉनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी। मैंने घर में दोनों तरीके से बनाया तो मुझे लगा कुछ लोगों को ऐसे पसंद आ रहा है और कुछ लोगों को पतीले में बनाना पसंद आ रहा है, तो मैंने दोनों तरीके से ये बना लिया। ये देखिए ये पक चुका है, थोड़ा सा पानी है तो इसको हम सुखा लेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी दूध, मैंने दूध डाल दिया और इसमें 2 चम्मच मैंने ड्राई फ्रूट का पाउडर भी डाल दिया है ताकि अगर हमारे घर में सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं, तो वो आराम से इसे खा लें और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने दूध डाल के इसको उबाल लिया है और इसमें अब चीनी ऐड कर दी है। चीनी ऐड करने के बाद इसे 2-3 मिनट हम और पकाएंगे ताकि चीनी का पानी सूख जाए। ये पक चुका है और बहुत स्वादिष्ट बना है। इसमें हम एक इलायची भी ऐड कर लेंगे, तोड़ेंगे और वैसे ही पैक करके वैसे ही डाल देंगे क्योंकि हमें इलायची के दाने नहीं चाहिए क्योंकि इसे बच्चे खा रहे हैं, तो इसे हमें फाइन बनाना है। ये हमारा मिलेट या झुंगुर की खीर बनकर तैयार है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। आप इसे खाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए चलते हैं टिप कॉर्नर की ओर। आज के टिप्स कॉर्नर में मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपना फैट बनने से कैसे रोकना है, खासतौर से लेडीज़ की अक्सर आदत होती है, जब वो किचन में जाती है कुछ ना कुछ मुँह में डाल देती हैं या चख लेती हैं, उससे क्या होता है फैट बढ़ता जाता है। जब भी आप किचन में जाएं तो 1 गिलास सबसे पहले गुनगुना पानी पिएं, इससे हमारा पेट भरा रहेगा और हमारा एक्स्ट्रा खाने का कुछ मन नहीं करेगा, जिससे हमारा फैट नहीं बढ़ेगा। तो चलिए आप इस टिप को जरूर